हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, तो आज हम सबसे पहले लिखेंगे हिंदी की क्लास में अपने दो अक्षर के शब्द, है ना। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको लर्न कराए थे, फोर फोर करके लर्न करेंगे। ऊन एक जग खत, बोलेंगे ऊन एक जग खत, लिखेंगे ऊन ऊ न ऊन ऊन ई ख एक ऊन एक जग ऊन एक जग खत ख त खत ऊन एक जग खत ऊन एक जग खत खत। अभी आपने कौन से लर्न किए हैं? ऊन एक जग खत। अब अपन नेक्स्ट लर्न करेंगे घर अब नल हल, घर अब नल हल, लिखेंगे घर अ ब अब घर अब नल न ल नल घर अब नल हल ऊन एक जग खत घर अब नल हल ऊन ऊन एक जग खत घर घर अब नल नल हल हल ऊन एक जग खत घर अब नल हल। आगे है आम दस टब कप, आम दस कप टब, आम द स दस आम दस कप क प कप ट ब टब आ म आम दस कप टब ऊन एक जग खत घर अब नल हल आम दस कप टब। ये 12 हमने पहले दो अक्षर के शब्द लिखे हैं। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है खाली जगह भरो। जब आपको ये लर्न हो गए तो उसी से रिलेटेड ये बनेगी। इसमें एक अक्षर लिखा हुआ है, दूसरा हमें लिख के कंप्लीट करके और वो शब्द बनाना है पूरा, है ना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऊ, तो ऊ में क्या ऐड करेंगे, कौन सा अक्षर ऐड करेंगे जो इन्हीं में से कोई शब्द बनेगा। ऊ न ऊन, है ना। ठीक है,
नेक्स्ट है ज, तो ज ग, ज ग जग, के घर, घर घर, न, न में क्या ऐड करेंगे जो इन्हीं में से कोई अक्षर बनेगा, न ल, नल, न ल नल, ई ख, ई ख ईक, क प, क प कप, ट, ट में क्या ऐड करेंगे, ब, ट ब टब, द स, द स दस, आ म, क्या करना है हमें, हमें एक शब्द है ये जिसका एक अक्षर लिखा हुआ है, दूसरा अक्षर हमें सोच के इस खाली जगह में भरना है, है ना, जिसको भर के हमारा शब्द कंप्लीट हो जाएगा। ओके, पहले आप ये शब्द लर्न करोगे, उसके बाद में ये एक्टिविटी एक्सरसाइज करोगे, आप फटाफट करोगे। ओके, तो ये अच्छे से वर्क करना, सोच के लर्न करके, ताकि आप अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट कर सकोगे। बाय।